दक्षिण आफ्रिकार प्रथम चिह्नट होता कोरोनार ओमिक्रोन प्रजाति को नहीं पुणि नुआ तथ्य सामना को आसी डेल्टा और बीटा वेरिएंट तीनगुण अधिक द्रुत गति में व्यापुच ओमिक्रोन भूताणु दक्षिण आफ्रिकार गवेषणा पर नुआ तथ्य सामना को आसी ए ओमिक्रोन भूताणु केते मारात्मक ताहा एबे भी अस्पष्ट। दक्षिण आफ्रिकार स्वास्थ्य व्यवस्थार स्थिति को नहीं संग्रह करा प्राथमिक तथ्य को आधार कर दक्षिण आफ्रिका वैज्ञानिक यह आकलन कर ओमिक्रोन संकट भितर देश विदेश आसुवा जात्रीों पर कटका लगे सबु राज्य प्रथम राज्य भाव कर्णाटक दुईज ओमिक्रोन संक्रमित चिह्नट होठार अधिक कटका को कड़ाकड़ी सेपटे बेंगलुरु में पहुंची दस जन विदेशी पर्यटकों पत्ता मिलनी एमंर मोबाइल भी स्विच ऑफ रही। दक्षिण आफ्रिकार मोट 57 यात्री बेंगलुरु आसी बेले 10 जन कौन पत्ता मिलूना। कर्णाटक दुईज ओमिक्रोन वायरस आक्रांत चिन्हट होगापर आलर्ट राज्य सरकार समस्त स्थितर मुकाबला आज मुख्यमंत्री बसवराज बुमाई अध्यक्षतार बैठक हो। राज्य स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर अध्यक्षत में राज्य स्वास्थ्य विभाग और विभिन्न मेडिकल कॉलेज सहित बैठक बस आगामी रणनीति प्रस्तुत कर दिल्ली एलएनजेपी हॉस्पिटल में 12 जन संदिग्ध ओमिक्रोन आक्रांतों भर्ती कर गतकाली 8 जन ओमिक्रोन संदिग्ध संक्रमितों भर्ती करे आज पुणि 4 जन भर्ती कर आज भर्ती होता 4 जन दुईज पॉजिटिव थी अन्य दुईज रिपोर्ट को अपेक्षा एमान भितर दुईज इंग्लैंड जने फ्रांस जने नेदरलैंड आसी दिल्ली में पहुंची जेनोम सिक्वेन्सींग 4 नमूना पठा। महाराष्ट्र में 28 जन ओमिक्रोन में संक्रमित होता संदेह रही भितर 10 जन मुंबईर यह समस्त नमूना जेनोम सिक्वेन्सींग पठा आसंता सप्ताह रिपोर्ट आस। मुंबई में कोरोना संक्रमित होता 10 जन आरटीपीसीआर टेस्ट बेले 6 जन नमून एस जीन नापड़ी एस जीन नमने ओमिक्रोन संक्रमित होता संदेह रही। ओमिक्रोन संक्रमण बढ़ुवर महाराष्ट्र सरकार पक्ष कटक जारी कर आसुवा लोकों 7 दिन क्वारंटीन रहिबाकु विमान बंदर में जांच एमआईएल और एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा अलग काउंटर व्यवस्था हो। समस्त यात्रियों 7 दिन क्वारंटीन में रखा सहित द्वितीय चतुर्थ और सप्तम दिन में आरटीपीसीआर टेस्ट करा जिबा। इस समय जदि कोनोसी यात्री पॉजिटिव चिन्हट होते हॉस्पिटल में भर्ती करा जिबा। गत सप्ताह में दक्षिण आफ्रिकार फेरी गोटे परिवार 5 जन सदस्य और एमान संस्पर्श में आसी अन्य 4 जन कोरोन संक्रमित होते आइसोलेशन में रखा सहित किसी लोगों हॉस्पिटल में एडमिट कर। कोरोना वायरस नुआ वेरिएंट सबुठ भयर वातावरण यार तृतीय लहर आशंका वृद्धि पाई संक्रमण मामला वृद्धि पाता जो समस्त देश में सतर्कता अवलंबन न्यूयॉर्क में किसी ओमिक्रोन मामला चिन्हट होगापर आलर्ट्रे आमेरिका। अंतर्जातीय यात्रियों कोविड जांच बाध्यतामूलक एसत यात्री पाखे 24 घंटा पूर्व कोविड नेगेटिव रिपोर्ट बाध्यतामूलक। यात्रियों पूर्व 72 घंटार कोविड नेगेटिव रिपोर्ट नियम बाध्यतामूलक थिला किंतु आगामी सप्ताह नुआ कटकणा लागू हेबो। बात्या जवाब मुकाबला प्रस्तुत पश्चिमबंग नदीकूलिया लोकों सुरक्षित भाव में अन्यत्र स्थानांतर करपटे सजग रही एनडीआरएफ टीम डाकबाजी जंत्र जरिया मत्स्यजीवी और पर्यटकों समुद्र भितरक जावाक बारण कर आसुची। बात्या सजग रही आंध्रप्रदेश बात्या जवाब पर श्रीकाकुलम जिलार समस्त शिक्षानुष्ठान तीन दिन बंद घोषणा रखाई एथसत 69 ट्रेन यात्रा रद्द कर एनडीआरएफ समेत 266 उद्धारकारी दलों बात्या मुकाबला मुतयन कर। बात्या मुकाबला प्रस्तुत रही एनडीआरएफ टीम एनडीआरएफ डीजी अतुल करवाल कहते कि ओडिशा को 46 एनडीआरएफ टीम पठाई पश्चिमबंग और आंध्र पूर्व टीम को मुतयन कर एयरलिफ्ट मजबूत व्यवस्था कर। 4 दिन में भी धारणा जारी रखिंट राज्यसभा 12 जन निलंबित सांसद संसद भवन परिसर में गांधी मूर्ति तले माने धारणा दे।
ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ। କଂଗ୍ରେସ ସମେତ ଅନ୍ୟ କିଛି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଧାରଣା ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଉଭୟ ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା। ବିରୋଧୀଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ହଟ୍ଟଗୋଳ ଯୋଗୁଁ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ଆଲୋଚନା ବିନା ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ କରାଯାଉଛି। ବିରୋଧୀଙ୍କର ଏଭଳି ଆଚରଣକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଜି ସଂସଦ ଭବନ ପରିସରରେ ଧାରଣା ଦେଇଛି ବିଜେପି ସାଂସଦ। ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆତଙ୍କବାଦର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ନୂଆ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର। ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଏହାର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ୟୁପି ସରକାର। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଏହାର କିଛି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ। ଆଜି ୟୁପି ସରକାରଙ୍କ ଏବେ ଆବେଦନ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ପଟୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରଦୂଷିତ ବାୟୁ ଯୋଗୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଏନ୍ସିଆର୍ର ବାୟୁ ବିଷାକ୍ତ ହେଉଥିବା ୟୁପି ସରକାର କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟର କଳ କାରଖାନାରେ ଏଥିରେ କୌଣସି ଭୂମିକା ନଥିବା ୟୁପି ସରକାର କୋର୍ଟରେ ଉତ୍ତର ରଖିବା ପରେ ଜବାବରେ ଖପା ହୋଇଥିଲେ। କୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡର ଦୋଷ ଖସାଇବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦିବା କେତେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ।